केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत में भारत से नमस्ते बोल करके की। उन्होंने कहा कि नमस्ते फ्रॉम भारत, भारत की ओर से नमस्ते। इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। यूएनजीए में जयशंकर ने कहा कि उन्हें स्थिति में बदलाव होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कूटनीति और बातचीत से ही दुनिया में तनाव को कम किया जा सकता है। नमस्ते फ्रॉम भारत। लेट मी बिगिन by expressing our felicitations to the President of the General Assembly, His Excellency Dennis Francis, and our fullest support to the 78th UNGA's theme of rebuilding trust and reigniting global solidarity. This is an occasion to take stock of our achievements and challenges, even while sharing our aspirations and goals. And indeed, in regard to both, there is much that India has to share. Mr. President, the world is witnessing an exceptional period of turmoil. विदेश मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि भारत अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता है। विश्व की वित्तीय संस्थाओं में बदलाव होना चाहिए, यूनेस्को में भी बदलाव होना चाहिए। दुनिया उथल पुथल का दौर का सामना कर रही है। कूटनीति और बातचीत ही तनाव को कम कर सकती है। विश्व से भूख और गरीबी को मिटाना है। दुनिया में कई जगह संघर्ष चल रहा है। दुनिया के सामने कई बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा भारत में हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ। विश्व के सामने विकास की चुनौती है। इंडिया हर एक चीज को पहले कर रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का भारत का दृष्टिकोण महज कुछ देशों के संकीर्ण हितों पर नहीं है, बल्कि कई राष्ट्रों की प्रमुख चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करता है। ये दिन बीत गए जब कुछ राष्ट्र एजेंडा तय करते थे और उम्मीद करते थे कि दूसरे भी उनकी बात मान ले। उन्होंने कहा कि कुछ देश ऐसे भी हैं जो एजेंडा को आकार देते हैं और मानदंडों को परिभाषित करना चाहते हैं। ये अनिश्चितकालीन तक नहीं चल सकता है। उन्होंने कहा कि G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल किए जाने से संयुक्त राष्ट्र को ही सुरक्षा परिषद में समसामयिक बनाने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गुटनिरपेक्ष के युग से निकलकर अब हमें विश्व मित्र की अवधारणा विकसित की है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की पहल की वजह से G20 में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली है। ऐसा करके हमने एक महाद्वीप को एक आवाज दी जिसका काफी समय से हक रहा है। इस महत्वपूर्ण कदम से संयुक्त राष्ट्र, जो उससे भी पुराना संगठन है, सुरक्षा परिषद को समसामयिक बनाने के लिए प्रेरित होना चाहिए। जयशंकर ने अपनी सफलता के साथ विश्व को बहाल करना है। कोविड का विश्व पर अलग प्रभाव पड़ा है। सतत विकास के विश्व के सामने चुनौती है। दुनिया में गैर बराबरी है। विकासशील देशों में ज्यादा दबाव है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने भाषण के दौरान परोक्ष रूप से चीन और पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाजार की शक्ति का इस्तेमाल भोजन और ऊर्जा को जरूरतमंदों से अमीरों तक पहुंचाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, न इसका समर्थन करना चाहिए। राजनीति, सुविधा, आतंकवाद, उग्रवाद और हिंसा प्रतिक्रियाएं निर्धारित करें। इसी तरह चेरी पिकिंग के रूप में क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का अभ्यास किया नहीं जा सकता है। जब वास्तविक बयानबाजी दूर हो जाती है तो हमें इसे सामने लाने का साहस होना चाहिए। VideoDesk AmarUjala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।